दोस्तों नमस्कार। 2020 में टाटा मोटर्स भारत में अपनी सफारी स्टॉर्म का फेसलिफ्ट लॉन्च करेगा। टाटा मोटर्स की आने वाली सफारी काफी हद तक टाटा की हैरियर जैसी होने वाली है, या फिर यूं कहें टाटा मोटर्स की आने वाली सफारी काफी हद तक टाटा की बजट जैसी होने वाली है। टाटा की बजट वही 7 सीटर SUV है जिसे टाटा मोटर्स ने जिनेवा मोटर शो 2019 में पेश किया था। टाटा की इस आने वाली सफारी स्टॉर्म फेसलिफ्ट का भारत में मुकाबला टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, महिंद्रा की XUV 500 और MG की आने वाली 7 सीटर हेक्टर जैसी शानदार SUV कारों से होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या नई स्पेसिफिकेशंस आपको टाटा मोटर्स की आने वाली सफारी स्टॉर्म फेसलिफ्ट में देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों अगर इंजन की बात करें तो 2020 में टाटा मोटर्स की आने वाली सफारी स्टॉर्म फेसलिफ्ट में आपको 2.0 लीटर का मल्टीजेट 2 डीजल इंजन मिल सकता है। इसका ये डीजल इंजन भारत में BS6 नॉर्म में आएगा और ये इंजन भारत में 170 BHP की पावर देगा और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करेगा। ये इंजन आपको 6-speed मैनुअल और ऑटोमेटिक की ट्रांसमिशन ऑप्शन में ऑफर किया जाएगा। दोस्तों भारत में ये इंजन BS6 नॉर्म में आएगा तो इसकी माइलेज और परफॉर्मेंस भारत में जबरदस्त होने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो टाटा मोटर्स की आने वाली सफारी जो BS6 नॉर्म में आएगी की माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर के करीब होने की उम्मीद है। टाटा सफारी स्टॉर्म फेसलिफ्ट आपको फ्रंट व्हील ड्राइव की ऑप्शन में ही आएगी। इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव की ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगी और इसका ये इंजन इस SUV के फ्रंट व्हील को पावर देगा। दोस्तों अब अगर इंटीरियर की बात करें तो 2020 में आने वाली टाटा सफारी स्टॉर्म के फेसलिफ्ट में आपको 10 इंच तक का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसका ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, नेविगेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस के बहुत सारे फीचर को सपोर्ट करेगा। इसके इंटीरियर में आपको मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील जो कि टिल्ट एडजस्टेबल और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल होगा। इसका मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील फोन कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, सेफ्टी कंट्रोल के फीचर को सपोर्ट करेगा। 2020 में आने वाली टाटा सफारी स्टॉर्म में आपको हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑल सीट्स विद हेडरेस्ट, ऑल रोज विद USB चार्जिंग एंड AC वेंट, कीलेस एंट्री, रिमोट इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप, हीटेड ORBM, 9-speaker JBL ऑडियो सिस्टम, लार्ज डोर पॉकेट्स, बॉटल एंड कप होल्डर, कूल्ड स्टोरेज ग्लव बॉक्स जैसे शानदार फीचर इसके इंटीरियर में आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब अगर एक्सटीरियर की बात करें तो टाटा मोटर्स की यह आने वाली 7-seater सफारी स्टॉर्म आपको बिल्कुल नए अंदाज में पेश की जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारत में आने वाली टाटा सफारी स्टॉर्म फेसलिफ्ट काफी हद तक टाटा हैरियर जैसी होने वाली है। इसके एक्सटीरियर में आपको बिल्कुल नए डिजाइन के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED डे टाइमिंग लाइट्स, LED टेल लाइट्स, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, रूफ रेल, SUV स्किड पेटेड फ्रंट एंड रियर, R17 और R18 इंच के मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स, ORBM विद टर्न इंडिकेटर्स, प्लास्टिक क्लैडिंग ऑन बोथ साइड प्रोफाइल जैसे शानदार फीचर एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब अगर सेफ्टी की बात करें तो 2020 में आने वाले टाटा सफारी स्टॉर्म के फेसलिफ्ट में आपको सेफ्टी के लिए सभी शानदार फीचर मिलेंगे। ये सभी प्रकार के क्रैश टेस्ट नॉर्म और सेफ्टी नॉर्म को भारत में पूरा करेगी। सेफ्टी के लिए इसमें आपको लेन कीपिंग असिस्टेंट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर असिस्टेंट, ब्रेक असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑल एयरबैग विद साइड कर्टन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्नरिंग फंक्शन ऑन हेडलैम्प्स, 360 डिग्री कैमरा, फॉलो मी होम फॉग लैम्प्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे शानदार सेफ्टी के फीचर आपको टाटा सफारी स्टॉर्म के फेसलिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब अगर कीमत की बात करें तो 2020 में आने वाली टाटा सफारी स्टॉर्म फेसलिफ्ट की अनुमानित कीमत भारत में 16 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, जबकि इसके टॉप ब्रांड की कीमत भारत में 20 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद है। ये भारत में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, MG की आने वाली 7-seater हेक्टर, महिंद्रा की XUV 500 जैसी शानदार 7-seater SUV कारों को टक्कर देगी। दोस्तों आपको टाटा सफारी स्टॉर्म फेसलिफ्ट कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।